खेड़ा सीताराम और डिब्बी मोहल्ला में पहाड़ी पर बसे मकानों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है और बारिश हो रही है। आए दिन लैंडस्लाइडिंग हो रही है जिस कारण करीब दर्जनों मकानों के गिरने की तलवार लटकी हुई है। ये कहना है खेड़ा सीताराम और डिब्बी मोहल्ला के लोगों का, जिनका एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार के दिन DM कालका वीरेंद्र चौधरी से मिला और अपनी समस्याएं रखी। SDM वीरेंद्र चौधरी ने लोगों को उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। खेड़ा सीताराम और डिब्बी मोहल्ले के निवासियों का कहना है कि हर रोज बारिश में लैंडस्लाइडिंग हो रही है, यदि समय रहते डंडे या जिला प्रशासन की ओर से कोई पुस्ता का इंतजाम न किया गया तो मकानों के गिरने का खतरा पैदा हो सकता है। बारिश के दौरान पहाड़ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और एक मकान आधा गिर चुका है जबकि आधा मकान पहाड़ पर लटका हुआ है और बारिश में लैंडस्लाइडिंग होती है। अपना खेड़ा सीताराम में गिरा मकान वगैरह, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? खेड़ा सीताराम में जब से हमारे संज्ञान में आया है 17 तारीख की रात को बारिश, ज़्यादा बारिश के कारण लैंडस्लाइड रिपोर्ट की गई थी। हमने 17 तारीख की रात को ही रात के 9 बजे इमीजिएट इमरजेंसी मीटिंग की, सारे अधिकारियों को बुलाया गया, जितने भी संबंधित अधिकारी थे मौके पर, मौका निरीक्षण करवाया गया, रेलवे के अधिकारी भी आए थे टिब्बा मोहल्ला के लिए। और उस दिन से ही जिस जिस महकमे की जो भी ड्यूटी है, हमने अगले दिन ड्यूटी मुकर कर दी थी, लिखित में SDM के आदेश कर दिए गए थे और आज भी उसी का रिव्यू कर रहे हैं हम। नागरिक भी आए थे दोनों जगह से, खेड़ा सीताराम से टिब्बा से भी, और जितने भी सरकार से बन पाएगी हम मदद करेंगे और समस्या का निवारण करेंगे। सर, जो मकान गिरने के लिए हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक सब डिविजन लेवल की जो BNR के हमारे SDO और जैसा मैंने बताया, एक सब डिविजन लेवल की कमेटी है ऐसे क्षतिग्रस्त मकानों के लिए, उस कमेटी का गठन किया गया है। 17 तारीख के बाद ही कर दिया था, उसकी रिपोर्ट अभी आ जाएगी और जो भी नियम बनेंगे BNR के और डिमोलिश मकानों के बारे में, हम उसमें इनको सहायता प्रदान करेंगे और इनसे अनुरोध भी करेंगे मकान को सरकारी नियमानुसार गिरा लें ताकि आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त होने से बचें।